ठीक है, एनीवे आप अपने रोल के बारे में बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1997 में रिलीज हुई सन्नी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी जिद्दी की। और 90 के दशक में बनी ये मूवी अपने आप में एक धाकड़ मूवी थी। इस फिल्म के मेन लीड में है सन्नी देओल, रवीना टंडन, आशीष विद्यार्थी, अनुपम खेर और फरीदा जलाल और सचिन हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सन्नी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी जिद्दी इस फिल्म को कहां पर शूट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में बने ये फिल्म को किस लोकेशन पर किस जगह पर शूट किया गया था, यही आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सन्नी देओल को मुजरिम करार देते हुए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुना दी है। मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुना दी है, तू फिक्र नहीं करना। और मूवी के इस वाले सीन को मुंबई के हाई कोर्ट में ही शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट देखकर दोनों को मैच कर सकते हो। एंड दोस्तों, आपने फिल्म में ये सीन देखा होगा जहाँ पर सन्नी देओल और सचिन खरेंदर एक साथ बैठे होते हैं। दोनों बाबूजी के सेफ्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ नहीं होगा बाबूजी को, लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देखता। और इस वाले सीन की शूटिंग मुंबई के ताज होटल के बाहर ही किया गया था। आप स्क्रीनशॉट में दोनों को मैच कर सकते हो। एंड दोस्तों, आपने फिल्म में ये सीन देखा होगा जहां पर पूरी की पूरी पुलिस टीम देवा को खोजने के लिए अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। आप लोग यहीं रुकिए। और फिल्म के इस वाले सीन को कोरेगांव फिल्म सिटी जो मुंबई में पड़ता है वहीं पे इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट देखकर दोनों को मैच कर सकते हो। और अब बात करते हैं फिल्म के अगले शूटिंग लोकेशन की। तो दोस्तों, आपने फिल्म में ये सीन देखा होगा जहां पर देवा यानी सन्नी देओल गुस्से में अपना पहने हुए जूता को फेंक देता है और पैदल ही नंगे पांव चलने लगता है। ये देख, 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा, देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख, नंगे पांव तुम्हें लग जाएगी। देवा। और इस सीन की शूटिंग बार्सिला एंजल यूरोप में किया गया था। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो दोस्तों, सन्नी देओल की ये जिद्दी मूवी का बिहाइंड द सीन का रियल लोकेशन देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय हिंद।